डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आप अभी तक तीन तक देखे हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में भी सेम आपका वही प्रोसेस है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है इसमें भी, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा इससे थोड़ा आपका बड़ा क्वेश्चन होगा, इसपे आप देखेंगे कि ये लेक्चर देखिए तीन था, आपका लेक्चर आपका फोर हो जाएगा, ये ध्यान देंगे आप। या आप चौथे क्वेश्चन में थोड़ा इसको बढ़ाएगा, आप जैसे छठवीं से सातवीं में जाते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन को आप जैसे आगे आगे जाएंगे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, आपके दिमाग में थोड़ा लोड बढ़ता जाएगा, तो इस पर ध्यान देंगे। इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए -4x² गुड़े आपका हो जाएगा -3x (y) गुड़े आपका हो जाएगा, यहाँ पर दिया है -2y(3x) आपका दिया है, इंटू दिया है आपका y² करें, इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये आपका 3 से आपका यहाँ का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सबसे पहले आप कम कर लीजिए कि हल्का थोड़ा सा हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब जो प्लस आया है फिर प्लस का पूरा मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो फिर आपका माइनस हो जाएगा, यानी इस माइनस का इस माइनस में किए तो प्लस हो गया, फिर इस प्लस का पूरा माइनस में किए तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो आगे ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर माइनस लिख लीजिए, इसके बाद आप देखिए अचर कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर 4 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 8 होता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8। अब बचा है आपका सबसे पहले ABCD में किस अक्षर को पढ़ते हैं, यक्ष पहले आता है, तो यक्ष की घात 2 है, यक्ष की घात 1 है, और देखिए इसमें यक्ष नहीं है तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो यक्ष पर 2 घात और यक्ष पर 1 घात आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा यक्ष पर हो जाएगा 3 घात, और यहाँ पर देखिए वाई पर 1 घात है और यहाँ पर वाई पर 2 घात है, तो वाई पर 2 घात का जब मल्टीप्लाई वाई पर 1 घात में करेंगे, आपको घातांक के नियम पढ़ा दिए हैं, सेम समान होता है आधार समान होता है तो आपस में घात जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई पर 3 घात, यह आपका हो जाएगा आंसर। इतने छोटे से आपके आंसर, देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा आंसर है, इस पर आप फोकस करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2p गुणे -3p गुणे आपका दिया है -4pq, या आपका इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणनफल करना है, या आपका चौथे का यच है, ये ध्यान देंगे, PDF से आप देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है। जो नहीं समझ में आता है आप एक बार WhatsApp पे भेज दीजिएगा, सर ये नहीं समझ आ रहा है, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है चिन्ह पे, सबसे पहले ध्यान देना है, दूसरे नंबर पे अचर का गुणनफल करना है, तीसरे नंबर पे आपको चर का आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले चिन्ह देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस का कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस आपस में हो जाएगा प्लस, तो प्लस को यहाँ पे लिखिए या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कहीं भी आपका माइनस नहीं बचा तो छोड़ देंगे। अब देखिए अचर का गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24 हो जाएगा, इनका तीनों का आपस में गुणा कर दिए ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। अब देखिए सेम चर का सेम चर पर गुणा करते हैं, यहाँ पर देखिए पी पर 1 घात, यहाँ भी पी पर 1 घात, यहाँ भी पी पर 1 घात, जब आपस में पी पी और पी का गुणा करेंगे तो 1 घात, 1 घात और 1 घात मिलकर हो जाएगा 3 घात, तो यहाँ पर हो जाएगा पी पर 3 घात। अब आगे देखिए केवल क्या बचा है, क्यू बचा है, तो आप इसके आगे क्यू को रिपीट कर दीजिए, उतार दीजिए, यह आपका हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। पोस्ट कीजिए थोड़ा सा, रुका है ना, तो आपका हो जाएगा 24pq आपका हो जाएगा क्यू हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में सेम गुणनफल ही है, थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा दिया है, उसमें देखिए सेम क्वेश्चन गुणनफल ही है लेकिन प्रोसेस आपका धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। देखिए पांचवें का ए आपको पार्ट बता रहे हैं, कह रहा है कि 4x² गुणे 9x³ गुणे 1/3x⁴ है, इसका गुणनफल कीजिए, और यदि अगर दे दिया है यदि x = 2 हो तब इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए।
कह रहा है इसका गुणनफल मान रखकर ज्ञात कीजिए। इसका गुणनफल करने के बाद कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप ध्यान देंगे इसके x इक्वल टू 2 रखना है, तो यहाँ कहेंगे 3 × 3 और 3 × 3 = 9, यहाँ से आपका हो जाएगा कट गया 4 × 3 हो जाएगा 12, x पर 2 घात है, x पर 3 घात है, x पर 4 घात है, तो 4 × 3 = 7 × 9 x पर घात हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा। और आप जानते हैं कि x पर x इक्वल टू 2 रखना है, यानी x के जगह पर 2 रखना है, तो x के जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 2 to the power आपका हो जाएगा 9, और 2 to the power 9 को मैं बताया हूँ कैसे आपको करना है, ये हो जाएगा 12 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, या आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ से 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 आपका हो जाएगा 128, 128 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए 128 × 2 ये हो जाएगा 6, 5 ये हो जाएगा कितना 256, इसका मल्टीप्लाई 256 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 1 × 11 = 1, 2 × 4 = 5, 512 हो गया, 512 का मल्टीप्लाई आप 2 में कर दीजिए, 12 में कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई अगर 12 में करेंगे तो 12 × 2 = 4 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इतना 2 × 2 = 2 ऊपर वाले में उसके बगल 2 × 4 = 2 हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 5, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 आपका हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 6144, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको गुणनफल ज्ञात करना है। आगे चलते हैं, देखिए आपका सिंपल एक और गुणनफल बता देते हैं, आप इतना क्वेश्चन घर पे कीजिएगा। देखिए आगे आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, आप अपना इसमें वर्क कीजिएगा। देखिए यहां पर दिया है, इसका डी पार्ट दिया है आपका 2x × −10xy² और आपका दिया है × 3x² y, कहा है यदि x = 1 y = 2 तब इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह पे ध्यान देना आपको, माइनस है ये प्लस है, प्लस है तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो ध्यान देंगे माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 2 × 20 और 20 यहाँ हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आप सेम चर का सेम गुणा कर लीजिए, x पर 1 घात और x पर 2 घात, 2 × 3 = 4 हो जाएगा, तो x^4 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए y पर 2 घात और y पर 1 घात, तो आपका हो जाएगा y पर 3 घात हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि यदि x = 1 यानी x की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है, तब इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे −60 × x की जगह 1 रखना है तो 1 पर 4 घात और × y की जगह 2 रखना है तो 2 पर आपका हो जाएगा 3 घात, ये हो जाएगा −60 × 1 पे कितना और घात होता है आप जानते हैं, इसका मान 1 ही होता है और 2 पर 3 घात का हो जाएगा 2 × 4 × 8 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 6 = 48 और 0 आगे बढ़ा दीजिए, −480 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका इतना आपका मल्टीप्लीकेशन याद रखना है। आप ध्यान दें, अपने क्लास के सभी छात्रों को बोल दीजिए इस व्हाट्सएप पर ऐड हो जाएं, जिससे आपका कोई भी सिलेबस का क्वेश्चन छूट ना पाए और आप अपना क्लास कंटिन्यू रखें कोरोना महामारी के चलते। धन्यवाद।